कोरोना की लहर के बाद जैसे तैसे संभले पर्यटन कारोबार को अब कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से पटरी से उतार दिया है। हमेशा इस सीजन में पीक पर चलने वाला पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है। हालात ये है कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा में सैकड़ों की संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे हैं। इस पर्यटन सीजन में ये सब पर्यटकों से खचाखच भरे रहते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण यहाँ खामोशी पसरी हुई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े इन लोगों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो चुका है। पर्यटक नहीं होने से होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों में मायूसी छाई हुई है। कई लोगों ने बैंक से लोन लेकर ये कारोबार शुरू किया था, लेकिन अब उनके सामने लोन की किश्त देनी भारी पड़ रही है। अल्मोड़ा एक पर्यटन नगरी है और एक देवभूमि है। यहाँ पर पर्यटक जो है मंदिरों को देखने आता है, और कई 200 रिसोर्ट हैं यहाँ पर, 200 होटल रिसोर्ट कुल मिला करके हैं, जो यहाँ पर जो है अल्मोड़ा नगर हो गया, कसार देवी हो गया, बिंसल हो गया, द्वाराहाट में भी कई जगह है, चौबुटिया गार्डन है, कई जगह जो है तो पर्यटन आता था। यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। इधर विगत पिछले साल से अभी तक जो है पर्यटक जो ये आना जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कोरोना काल में, तो इससे जो है बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, करीब करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कई होटल तो कौसानी में और बिनसर में जो है सेल आउट होने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैंकों का कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है साहब। तो हमारी सरकार से मांग है कि एक तो उनको बैंकों में छूट दी जाए, ब्याज में छूट दी जाए, और टैक्स माफ़ किया जाए, उनका GST हो गया, हाउस टैक्स हो गया और बिजली कर हो गया। तो इस समय जो है हर होटल मालिक और रेस्टोरेंट मालिक, रिसोर्ट मालिक आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे का कहना है कि जनपद में 192 होम स्टे और 200 से अधिक होटल रिजॉर्ट मौजूद हैं, लेकिन कोरोना के चलते यहां पर्यटन गतिविधियां बिल्कुल कम हो चुकी हैं। हालांकि उनका कहना है कि उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। कोरोना के खत्म होने के बाद ये स्थिति बहुत जल्द सामान्य हो जाएगी। कोरोना काल में जिस तरीके से इस बार जो कोरोना की द्वितीय लहर आई, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कोरोना का संक्रमण बढ़ा और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों में एक डर और भय की भावना पैदा हुई। तो इस क्रम में उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य होने के क्रम में और अल्मोड़ा एक पर्यटन का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो इसमें पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों में जो भय था उसकी वजह से लोग यहाँ बहुत संख्या में नहीं आए, और इस सीज़न में काफ़ी होम स्टे होटलों में जो ऑक्यूपेंसी है वो कम रही। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लगभग 200 होटल हैं और 200 के आसपास हमारे होम स्टेज हैं, तो इन सभी होटल और होम स्टेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी रोज़गार भी प्रभावित हुआ है। और दूसरा इस क्रम में ये भी कहना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे मुझे लगता है स्थितियाँ जो है वो नियंत्रण में आनी शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगता है भविष्य में जल्दी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि पर्यटन दोबारा से हमारे यहाँ। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक इस साल पर्यटन कारोबार से जुड़ी उम्मीदें टूट गई हैं। अब मानसून शुरू होने वाला है, लिहाजा पर्यटन कारोबार का उठना मुश्किल लग रहा है, जिसको लेकर कारोबारी सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।